निजमयो देवा महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः जय हनुमान केसरि नंदन तिहु जग वंदन अंजनि सुत बलधारी केसरि नंदन तिहु जग वंदन अंजनि सुत बलधारी संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान जय हनुमान संकट उसके निकट नावे ले जो शरण तुम्हारी संकट उसके निकट नावे ले जो शरण तुम्हारी संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान जय हनुमान ब्रह्मदेव का दिया हुआ वरदान है नागपाश। नागपाश के बंधन से ये कुमार बच नहीं पाएंगे। अब इन कुमारों को इस संसार की कोई शक्ति नहीं बचा सकती। आगे खोलिए श्री राम, आगे खोलिए। जाओ और जाकर हमारे पुष्पक विमान में सीता को बिठाकर युद्ध भूमि ले जाओ और जाकर राम और लक्ष्मण के मृत शरीर दिखाओ। उठो सीते उठो, इस विमान पर बैठो। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तो मुझे कहां ले जाना चाहती हो? तुम्हें इस विमान पर बैठना ही पड़ेगा। तुम लोग कौन होती हो? सीता को विमान से ले जाने वाली। हम दोनों आदेश का पालन कर रहे हैं। ये महाराज लंकेश का आदेश है। मैं तुम्हारे महाराज के आदेश का पालन करने के लिए बाध्य नहीं हूँ। जाकर कह दो अपने महाराज से कि हमारे स्वामी आ गए हैं और अब उन्हें हमारे स्वामी के आदेशों का पालन करना होगा। किंतु तुम्हारे स्वामी राम और लक्ष्मण दोनों युवराज मेघनाद के हाथों मारे गए हैं। नहीं, नहीं, नहीं। ये सत्य नहीं है, ये कदापि सत्य नहीं है। तुम असत्य कह रही हो। सीते, ये सब लंकेश की माया का खेल है। ये उसकी कोई नई चाल है। तुम्हें दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, सीता स्वयं चलकर रणभूमि में देख ले, इन्हें स्वयं विश्वास हो जाएगा। ठीक है, चलो, मैं भी सीता के साथ विमान में चलूंगी। चलो सीते। सीता युद्ध भूमि में राम और लक्ष्मण दोनों के मृत शरीर पड़े हुए हैं। अब तो तुम्हें विश्वास हुआ कि तुम्हारा पति जीवित नहीं है? नहीं, 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 माता त्रिजटा, अब मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। मैं साक्षात अपने स्वामी और भैया लक्ष्मण को मैं इस स्थिति में देख रही हूँ। अब मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। मैं इसी क्षण अपने प्राण त्याग दूंगी। नहीं सीते, नहीं सीते,
सकती, कदापि नहीं कर सकती सीते। श्री राम और लक्ष्मण को कुछ भी नहीं हुआ है, ये सत्य नहीं है सीते। मैं प्रत्यक्ष उन्हें देख रही हूँ। इस विमान को यहीं उतारो। अब मुझे जीने की कोई कामना नहीं है। इस विमान को यहीं उतारो। मैं भी अपने प्राण अपने स्वामी के साथ त्याग दूंगी। इस विमान को युद्ध भूमि में उतारने का आदेश नहीं है सीता। लंकेश ने युद्ध भूमि में पड़े राम और लक्ष्मण के शरीर को देखने का ही आदेश दिया है, इसलिए ये विमान वापस लंका की ओर ही जाएगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। स्वामी, 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 स्वामी। मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके दर्शन और सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। कृपया मुझे आदेश दें। स्वामी, 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 क्या हुआ देवी? आप इतनी व्यग्र क्यों हैं? अनर्थ हुआ है स्वामी, घोर अनर्थ हुआ है। श्री राम और उनके अनुज सौमित्र रणभूमि में अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। वानर सेना में हाहाकार मचा हुआ है स्वामी। इसमें चिंता की क्या बात है देवी? क्या मेरी व्यथा का कारण आपसे छुपा हुआ है स्वामी? क्या आप ये जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं कि श्री राम और सुमित्रा नंदन अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं? क्या आपको ज्ञात नहीं है कि मेघनाथ ने नागपाश का प्रयोग किया है? देवी, श्री राम और लक्ष्मण का अचेत होना यह तो साधारण सी घटना है। आप अपने भक्त रावण का पक्ष ले रहे हैं स्वामी। बिना आपके समर्थन के मेघनाथ नागपाश का प्रयोग कदापि नहीं कर सकते स्वामी। देवी, हम अपने भक्तों को अधर्म और अन्याय के लिए उन्मुक्त नहीं कर सकते। पुनः आप इसे साधारण घटना कैसे कह सकते हैं स्वामी? वानर सेना में सभी चिंतित है। यदि आपने इस तत्कालिक संकट का कोई उपाय नहीं किया तो देवताओं का कार्य बाधित हो जाएगा। पुनः श्री हरि के मनुज अवतार का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। आप शीघ्र कुछ कीजिए स्वामी, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। देवी, श्री राम की सेना का संकट केवल और केवल गरुण देव ही दूर कर सकते हैं, और इसकी सूचना उन्हें प्राप्त हो चुकी है। समय नष्ट मत करो, महाराज लंकेश तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सीता, तुम सभी जाओ, महाराज लंकेश स्वयं यहाँ आएंगे। जब तक उनका आदेश नहीं आएगा सीता कहीं नहीं जाएगी। इसका पति तो मारा गया त्रिजटा,
लंकेश को छोड़कर अब इसका है ही कौन? सीता के पति की मृत्यु नहीं हुई है। त्रिजटा, ये तुम कैसे बातें कर रही हो? क्या तुमने युद्ध भूमि में राम और लक्ष्मण के मृत शरीर नहीं देखे? राम और लक्ष्मण मृत नहीं, मूर्छित थे। लंकापति के विमान पर यदि कोई विध्वस्त्री बैठती है तो वो विमान उड़ता नहीं है, और यदि सीता को लेकर वो विमान उड़ा तो इसका अर्थ ये हुआ कि सीता विधवा नहीं है। क्या ये सच है देवी त्रिजटा? हाँ पुत्री सीता, यही सत्य है। मैं तो पहले से ही अस्वस्थ थी कि श्री राम को कुछ नहीं हो सकता। आप धन्य है देवी त्रिजटा, आप धन्य है। यदि आपने मुझे ये रहस्य नहीं बताया होता तो मैं कदापि जीवित नहीं रहती। धन्य है गरुड़ देव, आप धन्य हैं। हम आपका ही स्मरण कर रहे थे। देवलोक से आप स्वयं ही आ गए। प्रभु श्री राम और सुमित्रे। आप लोग चिंता ना करें, देवताओं ने मुझे इसी कार्य के लिए यहाँ पर भेजा है। हमारे प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण जल्द ही ठीक हो जाएंगे। अब चिंता की कोई बात नहीं। मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके दर्शन और सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। कृपया मुझे आदेश दें। इस संकट की स्थिति में आपने हमारी सहायता करके संपूर्ण मानवता की सहायता की है।
मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु श्री राम? ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके दर्शन और सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। कृपया मुझे आदेश दें। नागपाश के बंधन से कोई मुक्त नहीं हो सकता। स्वयं देवाधिदेव महादेव भी इस अमोघ अस्त्र के समक्ष विवश है। नागपाश के बंधन से कोई मुक्त नहीं हो सकता। विश्वास हो गया ना कि श्रीराम सकुशल है? मैंने कहा था ना कि वे केवल मूर्छित हो गए हैं। प्रभु श्री रामचंद्र की, प्रभु श्री रामचंद्र की। निश्चित ही उनकी मूर्छा दूर हो गई होगी। पुत्री सीते, चारों दिशाओं में उनकी जय जयकार गूंज रही है। अब तुम्हें अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। प्रभु श्री रामचंद्र की, प्रभु श्री रामचंद्र की, प्रभु श्री रामचंद्र की। ये हम क्या सुन रहे हैं? प्रभु श्री रामचंद्र की, प्रभु श्री रामचंद्र। अचानक इन वानरों में इतना उत्साह कहां से आ गया? पिताश्री, हमसे भी बड़े मायावी हैं ये वानर। उस राम की जय जयकार करके हमें भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। भ्रम है ये, केवल भ्रम। नहीं पुत्र, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। अवश्य ही ये राम और लक्ष्मण नागपाश से मुक्त होकर नया जीवन पा चुके हैं। पिताश्री, आप भी? पिताश्री, आप शायद नागपाश के सत्य को भूल रहे हैं। स्वयं ब्रह्मदेव ने प्रसन्न होकर मुझे वो शक्ति प्रदान की थी। नागपाश के बंधन से कोई मुक्त नहीं हो सकता। स्वयं देवाधिदेव महादेव भी इस अमोघ अस्त्र के समक्ष विवश है। पिताश्री, सूर्य और चंद्र की गति बदल सकती है, अग्नि जल में प्रज्वलित हो सकती है, धरती और पाताल एक हो सकते हैं, लेकिन नागपाश के बंधन से कोई मुक्त नहीं हो सकता। कोई मुक्त नहीं हो सकता। पुत्र मेघनाथ, तुम केवल स्वयं को देख रहे हो। स्वयं की योग्यता और शक्तियों को देख रहे हो। तुम ये नहीं देख पा रहे हो कि वहां क्या हुआ या क्या हुआ होगा।
इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है पुत्र। हो सकता है साक्षात ब्रह्मा ने उन्हें जीवन प्रदान कर दिया हो। किंतु पिताश्री, ब्रह्मदेव अपने वरदान के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकते। यह सत्य है, अपने वरदान के विरुद्ध वो कुछ भी नहीं कर सकते। और यदि उन्होंने किया तो यह सर्वदा अनुचित होगा, अनुचित। परंतु तुम्हें व्यग्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि कोई उन्हें जीवन दान दे सकता है तो हम उन्हें मृत्यु दान भी दे सकते हैं। रहस्य दिलन के जाओ और जाकर पता लगाओ कि इन वानरों में इतनी प्रसन्नता क्यों है। राम की मृत्यु के पश्चात इन वानरों में इतना उत्साह क्यों है। जाओ और अविलंब हमें सूचना दो। जाओ। सूर्योदय के साथ ही आपको समस्त सूचनाएं मिल जाएंगी महाराज। मैं भी प्रस्थान करता हूं। भैया, क्या हम ऐसे ही बैठे रहेंगे? सूर्योदय में केवल दो प्रहर का विलंब है। क्या रात्रि में भी शत्रुओं के आक्रमण का भय है? राक्षसों की कोई नीति नहीं होती है लक्ष्मण, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए हमें सदैव सावधान रहना चाहिए। हमारे गुप्तचरों ने सूचना दी है कि आज युद्ध का नेतृत्व सेना नायक धूम्रक्ष करेगा। कौन है ये धूम्रक्ष? इसमें ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके कारण हमें अपनी रणनीति में परिवर्तन करना होगा? मेघनाथ के समान धूम्रक्ष भी मायावी शक्तियों का प्रयोग करता है। हनुमान जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान, मरो जय मारुत तुल्य वेग, जितेंद्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।